आज हम बात करेंगे हेल्थ मैथुन के बारे में। देखो ये चीज़, अगर आप इस चीज़ वीडियो पे आए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस चीज़ को जड़ से छोड़ पाएं। और मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना तो आप अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को गायब कर पाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को गलत बता रहा हूँ या ये चीज़ सही है, यहाँ पे डिपेंड करता है आपका दिमाग किसी तरह काम करता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर को या किसी भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो भी है जिस चीज़ को अच्छा मानता है या गलत मानता है, उसको मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है या सही है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये दिमाग आपकी तरह काम करता है। जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह सोचना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, उसी तरह आपका दिमाग काम करता है। आप जिस तरह जिस काम को करना चाहते हैं वही आपका दिमाग साथ देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, जब आप नो फैप करेंगे, अभी आपको मैं नो फैप चैलेंज दूंगा कि आप इस चीज़ को हलाना बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग क्या करेगा, जब आप नो फैप करेंगे 10-15 दिन, तो आप अपने आप को बोलेंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आप दूसरों को भी बोलेंगे कि यार ये चीज़ गलत है, ये है वो है, लेकिन जैसे आपकी 10-15 दिन बाद में अगर आपकी स्ट्राइक टूट गई और आपने रिलैप्स कर लिए, तो फिर आपका दिमाग बोलेगा कि यार ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है। जब आप 3-4 बार रिलैप कर लोगे ना, जब आपकी स्ट्राइक टूटेगी, तब आपका दिमाग बोलेगा यार यही चीज़ सही है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, जब आप रिलैप, आपका जो स्ट्राइक टूटता है ना, तो आपको उस चीज़ में इतना आनंद आने लगता है, जहाँ आपने 15 दिन की स्ट्राइक तोड़ दी थी ना, जहाँ आपने 15 दिन तक नहीं किया था, अब आप उसको दिन में 2 बार करने लग जाओगे। ये गारंटी है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी पहले हुआ था, जब मैंने स्ट्राइक मेरी काफ़ी नहीं चलती थी लंबी, लेकिन अब आपको बताता हूँ इसकी सीरियस, अगर आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं सबसे पहले क्या होता है। बहुत सारे लोग तो आपको टिप्स दे देंगे, जब आपको अर्जेज आएगी क्या करोगे, आप बाहर चले जाओ, पुप्स लगा लो, आप पुशअप्स लगा सकते हैं, उसके बाद में ठंडा पानी पी लो, कोल्ड शेवर ले लो, ये एक टेम्परेरी है जहाँ आप इस चीज़ को भगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जब आपको अर्जेज आती है, एकदम खतरनाक वाली अर्जेज आती है, ये सब टिप्स काम नहीं करती। आपकी ये टिप्स काम, आपका मन ही नहीं करता कि हम ये सब करें, फिर तो आपका एक ही मन करता है। अब आपको बताता हूँ कि इस चीज़ से आप इस चीज़ से भाग कैसे सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इस चीज़ से छोड़ना चाहते हैं, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा। सबसे पहले आपको इस चीज़ को गलत मानना ही होगा, और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत ही है। आपको मैं बता दूँ, आप इस चीज़ को माने या ना माने, जब आप इस चीज़ को 10-15 दिन करके देख लेंगे ना, नो फैब, जब आपको महसूस होगा इस चीज़ का कि आप इस ये चीज़ गलत ही है। अब आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगी कि हाँ मुझे छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, वहाँ पे वीडियो को पूरा देख लेते हैं, फिर सोचते हैं मुझे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, 1-2 दिन छोड़ते हैं, फिर जैसे अर्जी जाती है बस इस चीज़ को ऐसे ही मानने लग जाते हैं। आपका दिमाग आपको वही कराता है जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके फ़ायदे देखूं, हेल्थ मैथुन के फ़ायदे, तो आपका दिमाग वही कहेगा, आप इम्प्रेस हो जाएंगे, आप यहाँ पे क्या होंगे, आप ज़्यादा ही उसमें मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज़ को लिए। अब जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि इस चीज़ के गलत फ़ायदे हैं, इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूं, तो आपका दिमाग उन्हीं वीडियोज़ पर जाएगा जो इस चीज़ को ये बताएगा कि इससे नुकसान होते हैं। तो आपका दिमाग उसी तरह काम करता है। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ को छोड़ना है, और जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिक बोल देता है हाँ मुझे छोड़ना है इस चीज़ का। और जिस तरह से मैं आपको बता दूँ, इसको छोड़ने का उपाय यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे छोड़ना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसके नुकसान देखने, बहुत ज़्यादा नुकसान से वीडियो सर्च करो, मैंने 2-3 वीडियो बनाए इस चीज़ पर। सबसे पहले इसकी नेगेटिविटी अपने दिमाग में भरो, ये चीज़ सही है, यही एक तरीका है इस चीज़ को छोड़ने का। इससे आपकी नेगेटिविटी, जब आप वीडियो देखते हैं ना, इसके फ़ायदे क्या क्या है, बहुत सारे डॉक्टर बता दें इसके फ़ायदे हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आपको बढ़िया नींद आएगी, आप बढ़िया महसूस करने लगेंगे, लेकिन ये सब टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस है। मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। जब आप रिलैप करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, उसमें आपको नींद आनी ही आनी है, और आप इतने थक जाते हैं, आपका एक बार रिलैप करने से इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, समझो आप अब डेली जब आप इसको करते हैं तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस रिलीज होता है, सबसे पहले ज़्यादा करने से एक टाइम ऐसा आता है स्ट्रेस इसी से होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप इसको ज़्यादा करते हैं तो इसी से स्ट्रेस होता है, और ये मेरी गारंटी, आप सबको इस चीज़ को देखना, आपने देखी भी होगी अपनी ज़िंदगी में, जब आप इसे बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको स्ट्रेस हुआ होगा। अब आपको बताता हूँ इसकी प्रो टिप्स क्या है, इसको छोड़ने के प्रो टिप्स। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे छोड़ना है, दीवार पर हर जगह लगा देना है कि मुझे इतना चैलेंज परफेक्ट, इस चैलेंज को पूरा करना है तो करना है। आपको दीवार पे हर जगह लगानी है स्ट्रिक्टली, अपना दीवार, अपना जो डोर है वो ओपन रखना होगा,
सारी मॉडल्स को अनफॉलो करना होगा, इन ट्रिगर्स से सबसे पहले दूर भागना होगा। अपने दोस्त से कमेंट करो कि भाई अपन दोनों ये चैलेंज पूरा करेंगे, सत्य बोलेंगे अगर रिलेप किया तो। मैं गारंटी देता हूँ आपकी, अगर यह आपका छूट ना जाए तो, देखो एक दिन में तो छूटने वाला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आपको छूट जाएगा। बहुत सारे लोग देखे मैंने इस प्रैक्टिस से, बहुत सारे लोगों का छूट गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ी टिप्स है इसकी, सबसे पहले आपको अर्जेज आएंगे नहीं, आपको अर्जेज आते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को करते नहीं है, आप इन चीज़ों की तरफ भागते हैं। अर्जेज जब आते हैं आप इस चीज़ को याद करते हैं। इसका एक बढ़िया सा उपाय ये है कि आप YouTube पे सर्च करें मेडिटेशन सॉन्ग, मेडिटेशन म्यूजिक, और सुबह उठते ही आपको मेडिटेशन करना है, अपने ईयरफोन को अपने कानों में लगा लेना है, और जब आप ओम का उच्चारण करें आपके कानों में तो आपको शांत बैठ जाना है, आपको शांत बैठ जाना है, आपको ये महसूस करना है जो आपकी नीचे वाली एनर्जी है जहाँ से आपका स्पम बनता है वो आपके दिमाग में ट्रांसफर हो रही है, बस 7 चक्कर में ऊपर जा रही है, आपको ये महसूस करना, आपकी 90% अर्जेस गायब हो जाएगी। जब भी आपको अर्जेस आए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने दिमाग को बोल देना है कि 5 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद में मैं रिलैप कर लूंगा। 5 मिनट जब आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपका फिर कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। और यही है टिप्स हैं कि सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को गायब कर देती है, और अपने आप को एक ऐसी सजा दो कि अगर मैंने ये सब किया तो मैं ये अपने आप में ये सजा पाऊंगा। आप उस सजा कुछ भी कर सकते हैं, एक दिन मोबाइल छोड़ दूंगा, और यही टिप्स है। अगर आप नहीं कर सकते, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका आप सोचते हैं कि अपने फिजिकल स्टेट को मैं कंट्रोल करके बाहर चला जाऊंगा, पुशअप्स मार लूंगा, पानी पी लूंगा, शावर ले लूंगा, तो ये सब टेम्परेरी है। सबसे पहले आपका दिमाग आपको बोलेगा कि यार कर ले, कुछ नहीं होगा, तो आपको दिमाग को कंट्रोल करना है। दिमाग कंट्रोल होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन करना होगा आपको, म्यूजिक के साथ करना होगा, दृढ़ निश्चय लेना होगा, और अपने आप को पनिशमेंट देनी होगी। अपने दोस्त से कमेंट कर लो कि अगर हम दोनों ने रिलैप कर लिया तो 100-100 रुपए की शर्त है, आप शर्त रख सकते हैं, उसके बाद में आपका दिमाग कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस वीडियो आपको एंड तक देख लिया तो ये टिप्स आप फॉलो करना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ये चीज़ दिल से गायब हो जाएगी, दिमाग से गायब हो जाएगी, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप छोड़ना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको फूड खाना है, और किस तरह से प्रॉपर तरीके से आप इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं, कैसे आपको मेडिटेशन करना है। उसके लिए आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी हुई होगी जहाँ आपको सेंड करना है आई वॉन्ट टू ज्वाइन, फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी आपको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन हो पाए वो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी हमेशा कोशिश करते रहो दोस्तों, जब आप कोशिश करते रहेंगे बार बार, एक दिन ऐसा होगा कि आप ब्रह्मचर्य पर जीत हासिल कर लेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो फोकस करके आराम से पा लेंगे। इसलिए दोस्तों एक चीज़ और, आप ब्रह्मचर्य के साथ मेडिटेशन और करें, इससे आपकी अर्ज कंट्रोल करने में और आपके दिमाग शांत करने में काफी मदद करता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ब्रह्मचर्य के कितने दिन हुए, और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज यहाँ अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।